अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि FIA रिज़ल्ट 2022 मेरिट लिस्ट लग चुकी है। तो आप ऑनलाइन किस तरह से चेक कर सकते हैं, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका मुकम्मल मेथड बताने जा रहा हूँ कि FIA रिज़ल्ट के लिए जो आपने रिटन टेस्ट रिज़ल्ट दिया है, इसकी क्या मेरिट बना है इस साल का। तो आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, FIA रिज़ल्ट 2022 मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो इसमें आने के बाद आप आसानी से अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई किया है, आप उसका मेरिट यहाँ पर आने के बाद चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से चेक करना है, किस तरह से उसकी मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो एक बात आपको बताता चलूं कि दोस्तों, ये पोस्ट बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको रिजल्ट्स के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में और जॉब्स के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम भी ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो क्यों ना कि हम ये सारी अपडेट्स आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर भी देते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस पेज पे आते हैं, इस पेज पे आने के बाद हम पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं, हमने इस आर्टिकल में आपको FIA टेस्ट रिज़ल्ट 2022 रोल नंबर स्लिप के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो जैसे इसका टेस्ट होने वाला था, तो हमने आपको FIA के रोल नंबर स्लिप जैसे ही अपडेट हुई थी, अपडेट मिली थी, हमने आपको यहाँ पर अपडेट किया था। तो उसके बाद इसका FIA फिज़िकल रिज़ल्ट आया, तो जो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, आपको डिस्प्ले किया गया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा सा और नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करने के बाद, तो आप यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं FIA जॉब्स टेस्ट डिटेल्स। तो जो इसके टेस्ट होते हैं, हमने आपको उसके रिलेटेड भी जो भी इसकी पोस्ट पर आई थी असामिया हमने बताया था आपको, और उसकी लास्ट डेट क्या आती अप्लाई के लिए और इसकी टेस्ट डेट क्या थी, इन सब ये सारी आपको डिटेल्स इस आर्टिकल में हमने आपको बताई है। तो जैसे ही हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो आप यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं FIA जॉब्स 2022। उसके बाद आपको आगे एक लिंक मिल जाता है, उसमें आपको रिटर्न टेस्ट डेट अगर चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेक हियर का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सामने इसकी मुकम्मल डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। तो जैसे ही आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो आपको नंबर 4 में, सीरियल नंबर 4 पर आ जाएँ। उसमें आने के बाद आपको इसकी प्रोविजनल लिस्ट मिल जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है। तो जो भी रिजेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनकी आपको लिस्ट यहाँ से एक अलग में मिल जाती है। उसके बाद आपको फ़िज़िकल टेस्ट पे हमने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ़िज़िकल टेस्ट के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो हमारे सामने एक और हेडिंग शो होती है, हाउ टू चेक FIA रिज़ल्ट ऑनलाइन। तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद क्लियर नहीं हो रहा कि आप किस तरह से इसकी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, तो आप इस आके इस पैरे को हमारे को रीड कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसी हेडिंग के नीचे हमने आपको पैरे के नीचे एक ब्लू कलर में लिंक दे दिया चेक हेयर का, चेक मेरिट लिस्ट का। तो जैसे ही आप उस ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, रिक्वायरमेंट टेस्ट रिज़ल्ट। तो जो इसमें आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है, तो उसका आप यहाँ पे आने के बाद मेरिट चेक कर सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या मेरिट रिज़ल्ट, उसका कितना आपको रिकॉर्ड है, कितना मेरिट बना है, वो आपको मुकम्मल डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसमें आने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आपको 60 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से आने के बाद दे सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है इसका मेरिट चेक करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सकें और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। Thanks for watching our video. Allah Hafiz.